तो बच्चों एक और नेमिंग रिएक्शन, जैसा आप देख पा रहे होंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन स्पेशली एल्डिहाइड के द्वारा दी जाती है और कीटोन भी इस रिएक्शन को देते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते कौन से एल्डिहाइड और कीटोन है, तो एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहां पर वो एल्डिहाइड और कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। अब बात हम करें तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखेंगे, तो कोई भी कंपाउंड हुआ हमारा, जैसे मान लो हम यहां पे CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, एक हमने यहां पे कंपाउंड लिया जो एसिड एल्डिहाइड है, ये रहा इसमें एल्डिहाइड ग्रुप। इस ग्रुप को छोड़कर इस ग्रुप के कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो कहलाता है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं ये सभी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वो एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। तो आइए देखते हैं ये रिएक्शन कैसे होती है। सबसे पहले सपोज हम यहां पे यही कंपाउंड लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इस रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे। सबसे पहले रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में होती है, तब हमें यहां पे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलता है जो गर्म करने पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरी रिएक्शन है जिसको हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें रिएक्शन हुई कैसे, तो जैसा कि रिएक्शन में आप देख पा रहे होंगे NaOH की प्रेजेंस में टू मॉलिक्यूल ऑफ एसिटेटिहाइड रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। देन इसको जब हमने गर्म किया तो हमें यहां पर क्या मिल गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड जिसको हम यहां पे कहेंगे ब्यूट टू ई वन एल। अब हम बात करते हैं रिएक्शन हुई कैसे, इसकी मैकेनिज्म की। तो सबसे पहले ये जो एसिटैल्डिहाइड है इसका एक अल्फा हाइड्रोजन हम इस तरीके से दिखाएंगे, और यहां पर हमने जो NaOH की प्रेजेंस दिखाई, NaOH की प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रही है, एक बेस है इसके पास OH ग्रुप होता है और जो अल्फा हाइड्रोजन होता है अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर होता है। तो सबसे पहले बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाता है वाटर की फॉर्म में, इससे यहां पर होता क्या है ये सारे के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से शिफ्ट हो जाते हैं और इस तरीके से कार्बेनाइन स्पीसीज बनती है। ये कार्बेनाइन स्पीसीज एक नाभिक रागी की तरह काम करती है जो दूसरे एसिटैल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर अटैक करती है। यहां पे अगर हम बात करें ये कार्बन और ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है जिसकी वजह से यहां पे पार्शियली पॉजिटिव और यहां पे पार्शियली नेगेटिव, और ये एक नाभिक रागी की तरह काम करेगा। तो इस
कार्बन पे जाके अटैक करता है, और अटैक करने के बाद यहां पे कौन सी स्पीसीज बनेगी, यहां पर कुछ हम इस तरीके से लिखेंगे, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड। जब ये यहां ये स्पीसीज जब यहां पे अटैक करेगी तो यहां पर ये जो पाई बॉन्ड है ये टूटेगा और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देन यहां पे क्या बन जाएगा, CH सिंगल बॉन्ड O माइनस, और ये कंप्लीटली इससे जाके यहां पे जुड़ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। अब यहां पे नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या कराना है, नेक्स्ट स्टेप में जो वाटर मॉलिक्यूल यहां पे निकला था अगेन इससे हम H प्लस दिखा सकते हैं, तो H प्लस जाएगा इस ऑक्सीजन के पास और इस तरह से हमें यहां पर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल मिल जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इस रिएक्शन को अगर यहीं तक ही रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन को एल्डोल रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि यहां पर जो प्रोडक्ट मिला है उस प्रोडक्ट में एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड और एक OH समूह है जिसके लिए ऑल जोड़ेंगे। तो इस तरह से यहां पर जो प्रोडक्ट मिला है उसको हम ग्रुप की वजह से एल्डोल कह सकते हैं, और यहां पर जो रिएक्शन होती है उसको हम एल्डोल रिएक्शन कहते हैं। व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, अगर हम इसकी बात करें तो, और इसमें आगे हम क्या करते हैं, जब इसे हम इस एल्डोल को हीट करते हैं तो यहां से अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से OH समूह, ये दोनों यहां से वाटर की फॉर्म में अलग हो जाते हैं। इसको हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं, यहां से एक H हटाओ और यहां पे लगा। अब अल्फा से हाइड्रोजन बीटा से हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों मिलकर वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में बाहर हुए, एक वैलेंसी इसकी फ्री हुई, दूसरी वैलेंसी इसकी फ्री हुई, दोनों के बीच एक यहां पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, अब जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है तो इसी रिएक्शन को हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं, और जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट है ब्यूट टू ईन वन एल। अगर आप लोगों को ये क्रियाएं समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही है, तो एक बार प्लीज लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।